बोरुली ईस्ट में हूँ, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, ओसी रिसीव्ड है, 22 स्टोरी का टावर है, व्यू बड़ा फर्स्ट क्लास है और वाकई में बजट बहुत कम है। 1 BHK 2 BHK की अवेलेबिलिटी है, हायर फ्लोर पे फ्लैट है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है, मागाठाना बस स्टैंड के बैक साइड में प्रोजेक्ट है, मेट्रो स्टेशन हाईवे मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये मैं अभी लॉबी के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं कि लॉबी का एरिया बड़ा खूबसूरत है। इसके बाद आपके सामने ये पूरा एलिवेशन शो हो रहा है, अभी आपके सामने पूरा एलिवेशन देख लीजिए, बड़ा अच्छा एलिवेशन है, ओसी रिसीव्ड है, लोग रहने के लिए आ चुके हैं, लिमिटेड फ्लैट है, इसलिए आप कोशिश करें जल्दी जरा विजिट करने की कोशिश करिए। प्रोजेक्ट में फ्लैट आप पसंद कर लीजिए, नेगोशिएबल भी होता है, डिस्काउंट भी मिलता है, मान सम्मान भी होता है, तो हर चीज़ आपके लिए हमारी तरफ से अवेलेबल है। तो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखा देता हूँ कुछ एमिनिटीज है, जैसे 3 एलिवेटर दे रखे हैं आपको, यहाँ पे जिम दे रखा है, ग्राउंड फ्लोर पे आपको जिम की फैसिलिटी दे रखी है, आप देख सकते हैं जिम की फैसिलिटी है। और यहाँ से हम अब आपको लिफ्ट से मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। यस यस यस, तो हम लिफ्ट से ऊपर की तरफ सैंपल फ्लैट की तरफ लेके चलता हूँ, नहीं एक्चुअल फ्लैट की तरफ। तो ये बिल्कुल उसका, ये आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड की लिफ्ट है और लिफ्ट भी बड़ी शानदार है। तो इसी तरह की आपको 3 लिफ्ट मिलती है। तो मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेके चलता हूँ और आपको एक्चुअल लॉबी और एक्चुअल फ्लैट दिखते हैं, तो साइज आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये अपना पूरा बड़ा सा लॉबी का एरिया है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास लॉबी का एरिया है। तो फ्लैट्स अवेलेबल जो है वो आपको मैं बता दूंगा। तो अभी एक्चुअल हम 2 BHK का फ्लैट देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सामने आपके 2 2 BHK फ्लैट्स हैं, मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में, आइए। तो साइज आपके सामने शो हो चुका है, ये एल टाइप में आपका ड्राइंग रूम का एरिया, तो आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और वो आपका टीवी और सोफा का एरिया आ गया। तो बड़ा स्पेसियस है, कार्पेट एरिया और साइजेस आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके बाद ये अपना किचन का एरिया है, तो किचन का एरिया आप देख सकते हैं, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन और यहाँ पे आप फ्रिज को एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों जगह आपको बड़ा ही स्पेसियस जगह दे रखी है दोनों तरफ आपको। तो मेन BMC का पानी आ चुका है और आपका गैस का पाइपलाइन का कनेक्शन भी आ चुका है। तो BMC का पानी आपको 24 आवर्स में, BMC का पानी 24 आवर्स मिलता है, गैस का पाइपलाइन का कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से यहाँ आ चुका है। ये अपना वॉशरूम का एरिया आ गया, आपका कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम का एरिया आ गया, सेम टाइल्स सेम सैनिटरी आपको इसी तरीके से मिलती है। इसके पास ये आपको जो पैसेज है, इसमें आप ये वाली जगह पे आप अपने अलमीरा को डिजाइन कर सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया, तो ये आपका एक फर्स्ट बेडरूम है, व्यू बड़ा अच्छा है। आपको चाहिए कि आपको हिल व्यू चाहिए, जो आपका आपका नेशनल गांधी पार्क व्यू चाहिए आपको, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पहला, दूसरा मास्टर बेडरूम का एरिया है, मास्टर बेडरूम का एरिया स्पेसियस है, साइज आपके सामने शो हो रहा है, आपकी विंडो जो है एल टाइप में है, तो दोनों तरफ का व्यू मिलता है आपको। तो ये आपका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम का एरिया आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मिलता है। तो अब मैं आपको इसमें 1 BHK भी दिखाने लेके चलता हूँ, 1 BHK आइए देखने चलते हैं, आइए। तो बिल्कुल ये लॉबी के एरिया से 2 BHK की अवेलेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, 1 BHK की अवेलेबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, साइजेस प्राइजेस आपके सामने शो हो चुका है। तो मैं बिल्कुल स्पेसिस बाहर का साइज स्पेसिस है, तो मैं अभी 1 BHK में आ चुका हूँ। 1 BHK का आप देख सकते हैं हॉल रूम का एरिया, आपका बड़ी सी विंडो, दो तरफ विंडो, वेंटिलेशन मिलता है, एक उस तरफ भी है एक इस तरफ भी है, ठीक है। जो किचन है आपका वो ओपन एरिया नहीं है, आपको जो एक्चुअल किचन मिलेगा, ये हमारा शो फ्लैट है इसलिए हमने देखा, यहाँ आपको वॉल मिलेगी, तो आपका सेपरेट किचन है, तो आपको यहाँ पे वॉल मिलती है। अगर आप कंसेप्ट चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आपका यहाँ पे आपको वॉल मिलती है, आपको किचन का एरिया सेपरेट मिलता है। तो ये आपका किचन का एरिया हो गया, हॉल रूम का एरिया हो गया, और ये आपका कॉमन वॉशरूम का एरिया, ये कॉमन वॉशरूम का एरिया हो गया आपका, और फिर ये आपका मास्टर बेडरूम का एरिया हो गया, वही एल टाइप की आपकी विंडो हो गई, और आपका ये मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं, वॉशरूम हो गया आपका। तो इसका व्यू भी दिखा देता हूं, अगर आपको हायर फ्लोर पे चाहिए तो व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूं, आइए।
बंद करो। तो मैं आपको सिर्फ व्यू दिखाने लेके आया हूँ। तो आप चाहते हैं कि मेरे को फॉरेस्ट फेसिंग व्यू चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। तो हर रूम से आपको व्यू भी मिलता है इस तरीके से आपको। तो सेम मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इस रूम से, तो प्रॉपर आपको व्यू मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हाई राइज फ्लोर पे आपको फ्लैट चाहिए तो ये लाइफ टाइम व्यू आपके साथ में रहेगा। आइए, तो प्रॉपर्टी का बजट भी कम है। मेट्रो स्टेशन, आपको हाईवे की कनेक्टिविटी मिलती है, बोरोली ईस्ट में प्रोजेक्ट है। और साथ के साथ मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ से टनल बन रहा है जो ठाणे के लिए निकल रहा है। 15 से 20 मिनट में आप ठाणे पहुंच जाते हैं। तो मेगा ठाणा से यहाँ से टनल बन रहा है जो आपको सीधा ठाणे पे कनेक्ट करता है। तो हिल स्टेशन फेसिंग है, आपका नेगोशिएबल भी हो जाता है, बजट भी कम है, ओसी रिसीव्ड है, प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, आज चांस आपके पास है। तो देवी नंबर पे फोन करिए। मेरा नाम तुषार सावंत है, फिर मिलते हैं। नमस्कार।